बाबा को देखती हूँ यूनिफॉर्म में जाते हुए, नहीं मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है। फिर तीसरे दिन मम्मी से बात करती हूँ, नहीं मैंने डॉक्टर बनना है। बढ़ते हैं मजीद वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको फौरन से मिले। खिलावा किया था तो वो कहती हैं भूतनी। इनका नाम अनुषा रानिया खान है, लेकिन इनके मम्मी पापा क्या कहते हैं इनको वो सुने। अनु नूश, बाबा तो नूश कहते हैं। जब अनुषा रानिया खान से ये पूछा गया कि आप के कितने बहन भाई है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? आई एम दी ओनली वन। यानी कि ये इकलौती हैं, ये इकलौती हैं जिसकी वजह से इनकी हर ख्वाहिश इनका वालिद पूरी करता है। बाबा से कहती हूँ बाबा मुझे वो चाहिए, बाबा मुझे वो चाहिए, जरा सी कन्विंसिंग कर दो बाबा। अच्छा सही है, ले देता हूँ। मम्मी कहती है नहीं अनुषे। और इनका कहना है कि मैं अपने मम्मी बाबा को इन नामों से पुकारती हूँ, माँ जाना और बाबा जाना। ऐसे ही मुझे मामा बोलना नहीं आता तो मैं माँ जाना माँ जाना माँ जाना, वही से मेरी आदत बन गई माँ। फिर जब अनुषा से पूछा गया कि आपको क्या क्या पसंद है, बुक्स पढ़ती हूँ, बुक्स आई लव। और फिर जब इनसे पूछा गया कि आपने बनना क्या है, आपने स्टार बनना है या मॉडल बनना है या आपने शोबिज में ही रहना है, तो इन्होंने आगे से ये जवाब दिया। जब मैं कहीं से इंस्पायरेशन लेती हूँ तो मैं बस कहती हूँ वो बनना है। फिर दूसरे दिन बाबा को देखती हूँ यूनिफॉर्म में जाते हुए, नहीं मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है। फिर तीसरे दिन मम्मी से बात करती हूँ, नहीं मैंने डॉक्टर बनना है। मैं हर दिन कुछ ना कुछ बनती रहती हूँ। मेरा पर्सनली दिल है कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूँ। बाबा से बहुत इंस्पायरेशन मिलती है। और फिर मम्मी का वैसे मुझे पता है, वो बोलती नहीं है इतना, लेकिन मुझे पता है कि उनका दिल है कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो मैं यही सोच रही हूँ कि एयरफोर्स आर्मी डॉक्टर। अनुषा रानिया खान को एक्टिंग का शौक कब से पड़ा? जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? तो जब मैं छोटी थी, जब मैं बहुत ज़्यादा लाइक 5-6 ईयर्स की थी, तो मैं टीवी में देखती थी, छोटे छोटे बच्चे आए होते थे उस वक्त के, मैं देखती थी कि मुझे भी इनकी जगह आना है, मुझे मम्मी टीवी स्क्रीन पे आना है। सही कहते हैं कि जिसको शौक होता है अल्लाह भी उसकी मदद करता है। अनुषा रानिया खान को शौक था, तो इसी तरीके से उनको एक मॉल के अंदर एक शख्स मिला जिसने उसको एक्टिंग के लिए खुद ऑफर की और कहा कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए। अब मैं मॉल में थी और एक अंकल थे, वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा आप इतनी क्यूट हो तो आप एक्टिंग में क्यों नहीं जाती, आप कमर्शियल्स करो, आप जैसे फेसेस चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा मुझे क्या पता मुझे किस तरह करनी है। तो मैं एकदम से एक्साइटेड होगी कि ओ माय गॉड, मुझे लगा था जैसे पता नहीं मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल गई। और सही में तो मैंने कहा ओ माय गॉड यस, अगर आप दे दें कुछ। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दे दिया और उस पर जाके मैंने कॉन्टैक्ट किया और एजेंसी में मैंने अपना इंडी के बाद मैंने जब ऑडिशन दिया एग्जैक्टली 1 वीक के बाद मुझे कॉल आया। बात करते हैं छलावा ड्रामे की, तो जब छलावा ड्रामे का स्क्रिप्ट अनुषा के पास आया तो उसका क्या रिएक्शन था? जब मेरे पास ही वो स्क्रिप्ट आया मैंने पढ़ा, मम्मी ने पढ़ा क्योंकि मैं बहुत लेजी। हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और मम्मी ने कहा ये तो हॉरर रोल है। उस वक्त मैं डेवलप कर रही थी शौक से कि मम्मी ने जो एक्साइटेड सीन्स थे वो पढ़े। अब मैं उनको पढ़ के ओ माय गॉड, तो मम्मी ने कहा कि उस वक्त एक्चुअली पहले से ही लोकिया कहेंगे चल रहा था, उसकी शूटिंग चल रही थी, अब ऊपर से न्यू स्क्रिप्ट आ गई थी और वो कह रहे थे 1 वीक में वो शुरू कर रहे हैं। छलावा ड्रामे की स्क्रिप्ट आने के बाद जब इन्होंने अपने अबू से इजाज़त ली तो किस तरीके से इजाज़त ली, आप सुने इनकी जबानी। मैं वन एंड ओनली हूँ, मुझे करना है, देखिए पहली बार इस तरह का रोल मिला है, क्या पता ऐसी अपॉर्चुनिटी कब आएगी। तो बाबा ने कहा कर लो, अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे टेस्ट में एग्जाम्स में आपकी फुल परफॉर्मेंस चाहिए। तो मैंने कहा बस डन। अनुषा से जब पूछा गया कि छलावा ड्रामे के अंदर आपको सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा, तो उन्होंने उसके बारे में बताया। क्योंकि ये बहुत लाइक सेंसिटिव सीन था तो उसी तरह हम लोगों ने करना था। अब और आपको पता है ओरिजिनली ये सीन किस तरह प्लान हुआ था कि मैं जब दरवाज़ा लॉक हुआ होता है तो मैं उसके सामने खड़ी होती हूँ और मेरे अंदर पोजेशन होती है। अब जैसे ही हमदानी अंकल डॉक्टर हमदानी जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो सामने ही मुझे पकड़ लेते हैं, लेकिन मैं बहुत पावरफुल तरीके से उनको पीछे मार देती हूँ। ओरिजिनली ये प्लान था और फिर वो इस तरह गिरते गिरते सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और फिर इसलिए मैं नीचे आती हूँ। लेकिन उन्होंने थोड़ा लगा कि ऑड हो जाएगा कि इतनी ताकत के वो सीढ़ियों से कैसे गिरेंगे, ये जरा जंप्स आ रहे थे। तो इसी तरह हम लोगों ने किया, तो वो फाइनल टेक पे आया कि हम लोगों ने बेड पे बैठना है और कैसे करना है, जो क्यूज है कि किसने कहाँ खड़ा होना है वो सारा तो डायरेक्टर करते हैं, लेकिन हम सब की परसिस्टेंस। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आपके लिए हम ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए।